हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के अंदर बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। दोस्तों इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमने आईसीटी के बारे में पहले भी तीन से चार वीडियो डाली है तो वो वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं बाइनरी नंबर्स और डिजिटल नंबर्स के बारे में। दोस्तों क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होगा तभी हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, हम यहाँ पे इनका ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, हम बस उतना ही बेसिक चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। ठीक है, बाइनरी नंबर्स के अंदर दोस्तों दो डिजिट होती है, 0 और 1, कंप्यूटर के अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 टू वैल्यू यूज होती है। ठीक है, और इनका जो बेस जो होता है उसे हम टू कहते हैं, टू टू से लिखा जाता है। ठीक है, बेस कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर के बारे में दोस्तों, टोटल जो वैल्यू होती है, टोटल डिजिट जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे ऑक्टल कहा जाता है। और 8 के अंदर क्या होता है, 0 से लेके 7 तक होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यानी कि 8 डिजिट होते हैं लेकिन 8 इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर 7 तक हमारी काउंटिंग होती है। अगली आती है दोस्तों हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे दोस्तों टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक काउंट किया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में दोस्तों ये होता है कि इसके अंदर टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 16 16 होते हैं। ठीक है, और 16 के अंदर 0 से लेकर 9 तक, 10 तो ये होगी हमारी काउंटिंग होगी। ठीक है, फिर 11 12 13 जो आते हैं, आगे आते हैं, वो ए से एफ तक डिनोट किए जाते हैं। और इसके अंदर जो ए होता है वो 10 के लिए, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई 14 के लिए और एफ 15 के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बार फिर हमने ये टेबल बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होती है जिसमें 0 और 1 होता है, ऑक्टल के अंदर 8 होती है जिसमें 0 से 7 तक होता है, डेसिमल नंबर के अंदर 10 होते हैं जिसमें 0 से 9 तक होते हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक हमारे अक्षर होते हैं और ए से एफ तक होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक कौन से नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि वो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था। और इसी तरह से ऑक्टल के बारे में पूछ लेंगे कि ऑक्टल के अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं या फिर 0 से लेके 8 तक होते हैं या 1 से लेके 8 तक होते हैं, तो इस तरह से हमें वो पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। ठीक है, और जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो हमारा आता है जैसे कि कन्वर्जेशन कन्वर्ट करने का आता है। बाइनरी से हमें डेसिमल के अंदर करना है, ऑक्टल से हमें डेसिमल के अंदर करना है, हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो यहाँ से उठे हैं, यहाँ से आए हैं, तो ये जो वीडियो देखने के आप वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम्पल लगा लो, 1101 ये है हमारा बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
और यहाँ पे जो बेस की जो बात कर रहा था मैं, बेस का मतलब होता कि ये देखिए नीचे जो टू लगा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर को इस तरह से लिखते हैं हम, और डेसिमल नंबर के अंदर जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने का तरीका आप देखिए कैसे हम इसे करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप है वो बाइनरी जो नंबर है वो हम उसे इस तरह से लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर जो वन है, जीरो है, वन है, फिर जीरो है, इसके अंदर ये देखिए हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो बाइनरी की बात आती है तो हम दो से शुरुआत करेंगे, टू की पावर हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू की पावर यहाँ पे है, इसकी टू की पावर है जीरो, ठीक है। फिर टू की पावर वन है, टू की पावर टू है, टू की पावर थ्री है, ठीक है। यहाँ से हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि टू की पावर जीरो, किस कोई भी हमारा अक्षर हो उसकी पावर अगर जीरो होती है तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। टू की पावर वन वो टू के इक्वल होता है, टू की पावर टू चार के इक्वल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। टू की पावर थ्री ये एट के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें जो बाइनरी नंबर दिया है वो इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा बाइनरी है, यहाँ पे देखिए अगर बाइनरी है तो उसका बेस टू होगा, टू है तो टू की पावर हमें इस तरह से लिखते हुए जाना है ऐसे, ठीक है। और फिर टू की पावर जो है वो हमें रियल में लिखनी है कि टू की पावर टू किसके इक्वल होते हैं, टू की पावर थ्री किसके इक्वल होते हैं, तो इस तरह से हमें सभी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ क्या होगा। अब देखिए स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये जो हमने ऊपर जो वैल्यू लिखी थी ये देखिए ये, और जो हमारा बाइनरी नंबर था ये था, सबसे पहले बाइनरी नंबर लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमारी ये जो वैल्यू आई थी ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख ली। और जो हमारा जो बाइनरी नंबर है उसको नीचे जो वैल्यू आई है अपने टू की पावर जीरो, टू की पावर एक, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री करने से, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक को एक से गुना करने से एक आता है, जीरो को दो से गुना करने पे जीरो आता है, ठीक है। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये स्टेप करना है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले तो हम जैसे ये लिख लेंगे, इसके अंदर बाइनरी नंबर लिख लेंगे, ये लिख लिया, ठीक है। फिर टू की पावर है वो इस तरह से लिखते जाएंगे, जितने हमारे आगे चलते जाएंगे यहाँ पे उस तरह से टू की पावर लिखते जाएंगे। फिर टू की पावर को इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगला जो स्टेप है उसके अंदर ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, ये हमारी जो वैल्यू थी वो होगी, ठीक है। अब बाइनरी नंबर्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री के अंदर, अपने स्टेप नंबर टू के अंदर जो ये वैल्यू आई है इन सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करने पे 13 आता है, ठीक है। तो ये जो 13 हो गया ये हमारा डेसिमल नंबर होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा 1101, बाइनरी नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो 13 इसका आंसर आएगा, ये जो आंसर है इसका, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, तो वहाँ से आप करके देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आगे ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है 1121 8, इसका बेस है, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर के अंदर। तो इसके अंदर भी सबसे पहले वही चीज़ हमें करनी है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसे हम इस तरह से लिख लेंगे ऊपर 1212, ठीक है। और फिर ये देखिए ऑक्टल, ऑक्टल की हम बात कर रहे हैं, ऑक्टल के अंदर बेस 8 होता है, ठीक है। तो उस 8 को यहाँ पे लिखेंगे और उसकी पावर हम लिखते जाएंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरह से हम लिखते जाएंगे,
ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम इस पावर को कन्वर्ट करेंगे, रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो रियल वैल्यू है दोस्तों इसकी इन सभी की आएगी ये, हमने यहाँ पे लिखा था, पता नहीं क्यों नहीं आया पीडीएफ में, चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 की पावर 0 करते तो 1 आता है, मैंने बताया था कि कुछ भी हम, कोई भी हमारा अक्षर है उसकी पावर 0 करते तो वो 1 आता है। 8 की पावर 1 आएगा 8 के इक्वल, 8 की पावर 2 8 8 64, ठीक है। 8 की पावर 3 आएगा 512 के इक्वल आएगा, इस तरह से हमें ये लिखनी है, ठीक है। और अगला जो स्टेप होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगले स्टेप में हमें क्या करना है। अब ये देखिए कि अगले स्टेप में क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू थी हम ये इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और 8 की ये पावर करने से हमारे पास ये जो भी आई, जो भी आया है, इन सभी की पावर करने से ये आ गया हमारा, ठीक है। वही स्टेप हमें करना है जो हमने बाइनरी नंबर्स में किया था, कि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसको जो रियल वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 की 1 के साथ करेंगे 1, 2 की 8 के साथ 16, 1 की 64 के साथ 64, 1 की 512 के साथ में करेंगे तो 512, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हमारी ये वैल्यू आई है 512, 64, 16 और 1, इन सभी को स्टेप नंबर 3 के अंदर हम प्लस में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इन सभी को जब हम प्लस करते हैं तो 593 आता है, ठीक है। 593 आने के बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1121 ऑक्टल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल के अंदर तो हमारा आंसर ये आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्टल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों, हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया है कि AC9 और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है 10 होता है, हमने पहले दिखाया था आपको, और सी का मतलब होता है 12 होता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम शुरुआत में आते हैं, ये यहाँ पे ये देखिए ये 9 हो गया, ए का मतलब 10 हो गया, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये। तो हमें इसमें भी क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले जो ए की वैल्यू है वो लिखेंगे, सी की वैल्यू है वो लिखेंगे, 9 का तो 9 होता है ये हमें पता है, ठीक है। और अब बात आती है इसके अंदर, जैसे कि ये हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर है, हेक्सा हेक्सा का मतलब होता है दोस्तों 16, 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इस तरह से हम लिखेंगे। और अब इन पावर्स को हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, 16 की पावर 0 होती है 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256, इस तरह से ये होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, यानी कि ये जो स्टेप है हमारा ये पहले पहले जो था वैसे ही रिपीट हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो वैल्यू लिखी थी ऊपर, जो वैल्यू लिखी थी ये देखिए, ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर ये पावर्स को कन्वर्ट करने के बाद में अपनी वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, 12 को जब 16 के साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 को जब 256 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। और स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें पता ही है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी को हम प्लस कर देंगे, इन सभी को प्लस करने पे 2761 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि AC9 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो 2761 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बाइनरी नंबर को डिजिट बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को आप डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ये हमने बता रखा है इसके अंदर। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF आप ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये पूरा का पूरा नोट्स ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है।
दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने पेपर फर्स्ट की 2012 से लेकर जुलाई 2018 तक की पीडीएफ बना रखी है, जिसमें टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन अलग कर रखे हैं। यानी कि टीचिंग से आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेकर 18 तक, वो अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है, रीजनिंग के अलग है। इस तरह से पेपर फर्स्ट में अपने जितने भी टॉपिक आते हैं उनकी पीडीएफ मैंने अलग अलग बना रखी है, जिनको देख कर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और किन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जो पीडीएफ है हमारी हिंदी और इंग्लिश में है, तो अगर कोई ये पीडीएफ लेना चाहे तो वो हमसे ले सकता है। इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि हमारी इस पीडीएफ से जुलाई 2018 में 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी आए थे, उसकी वीडियो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, इस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर किसी को भी ये पीडीएफ लेनी है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, उसके अंदर हम बताएंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और हेक्सा डेसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इन सभी का उल्टा क्या होगा वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।